हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्त स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS संसारी में। और दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी की तरफ से यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। और इस यूनिवर्सिटी ने अपने प्रमोशन का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो रूल्स है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ही होने वाला है। हो सकता है आप इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस न्यूज के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से न्यूज है। आज की जो न्यूज है, यहां पर AKTU से आप देख सकते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के अतिरिक्त जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनको प्रमोट किया जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो में अंत तक बने रहें। पिछले सभी सेमेस्टर के आधार पर होगा प्रमोशन। अब यहाँ पर प्रमोशन का जो फॉर्मूला है, यानी कि जो रूल्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए गए। अब आपका जो प्रमोशन होगा वो पिछले सभी सेमेस्टरों के औसत अंकों के आधार पर होगा। फिलहाल हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी कि AKTU ने अपनी प्रमोशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किया है। तो अभी आप देख सकते होंगे, अभी तक ये कहा जा रहा था कि पिछले सेमेस्टर में प्राप्त थ्योरी अंक व इस साल के सेशनल के आधार पर परिणाम बनेगा, किंतु अब ऐसा नहीं है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के बारे में भी इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। तो जो रिजल्ट के बारे में जो भी जानकारी है, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक ये कहा जा रहा था कि पिछले सेमेस्टर में प्राप्त थ्योरी अंक व इस साल के सेशनल के आधार पर परिणाम बनेगा, किंतु अब ऐसा नहीं होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी पिछले सभी सेमेस्टर के थ्योरी पेपर का मूल्यांकन कर उसका एवरेज निकालेगा। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड ईयर में है, ठीक है, सेकेंड ईयर में है, तो यहाँ पर अब आपका जो प्रमोशन होगा वो फर्स्ट ईयर में आपके जो दो सेमेस्टर थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, दोनों के ही एवरेज मार्क्स के बेस पर आपको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, यानी कि पिछले जितने भी सेमेस्टर के आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे आपके दो सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हों, तीन सेमेस्टर कंप्लीट हो गए या फिर चार सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, सभी सेमेस्टर के मार्क्स के एवरेज के बेस पर अब यहां पर आपको प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही हालांकि ये विद्यार्थियों के हित में होगा, यहां पर ये भी जानकारी दी गई है, UGC और राज्य सरकार ने फाइनल ईयर को छोड़कर अन्य वर्ष के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में AKTU ने कवायद भी शुरू कर दी थी, किंतु हाल में हुई एकेडमिक काउंसिल में, जहां फाइनल ईयर की परीक्षा MCQ पर आधारित करने का निर्णय लिया, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो परीक्षाएं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आधार पर ली जाएंगी। वहीं ये भी तय किया गया है कि जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, उसका आधार सिर्फ उनके पिछले सेमेस्टर में प्राप्त नंबर नहीं होंगे, यानी कि केवल प्रीवियस सेमेस्टर से, यानी कि लास्ट सेमेस्टर से मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, बल्कि अब ऐसा होगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, पिछले सेमेस्टर में सभी सेमेस्टर के थ्योरी विषयों में प्राप्त एक्सटर्नल एग्ज़ाम के अंकों के औसत के आधार पर अब यहाँ पर आपका जो प्रमोशन है वो किया जाएगा। यानी कि पहले आपने जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं, सभी सेमेस्टर के एग्ज़ाम के मार्क्स को यहाँ पर इंक्लूड करके उसका जो औसत होगा, उसके आधार पर ही आपको प्रमोट किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन 70% के आधार पर होगा, जबकि 30% का जो मूल्यांकन है उसके सेशनल के आधार पर होगा। इससे विद्यार्थी के अब तक के बेहतर परिणाम का लाभ उसे मिल जाएगा। यही वजह है कि परिणाम तैयार करने में समय लग रहा है, हालांकि इस महीने के अंत तक प्रमोशन के परिणाम आ जाएंगे। यहां पर आप देख सकते होंगे, ये जो यहां पर रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा है। यदि इसमें कोई भी चेंजेस होता है या आगे डेट बढ़ती है या परिणाम आने में देरी होती है, तो इसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो AKTU की है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं और इस न्यूज़ को अमर उजाला न्यूज़पेपर में स्वयं भी रीड कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो परिणाम की जानकारी दी जा रही है वो इस महीने यानी कि जुलाई के लास्ट तक दी जा रही है कि लास्ट तक आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जैसे रिजल्ट आता है आपको हमारे चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस बारे में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि एकेडमिक काउंसिल ने तय किया है कि विद्यार्थी के अब तक के ओवरऑल मूल्यांकन के आधार पर उसे प्रमोट किया जाएगा। ये उसके लिए भी लाभदायक होगा, किसी वजह से अगर उसका पिछले सेमेस्टर या साल खराब भी हुआ होगा और पीछे उसने बेहतर किया होगा यानी कि प्रीवियस सेमेस्टर आपका सही नहीं हुआ है यानी कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उससे पहले के सेमेस्टरों में यदि आपने अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उन सभी सेमेस्टर बेस के जो आपके मार्क्स होंगे उनका लाभ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही इस महीने के अंत तक प्रमोशन वाले परिणाम जारी कर देंगे। यहाँ पर देख लिए, फिर एक बार बताया गया कि जो रिज़ल्ट है वो इस महीने के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।